देश में लिंगानुपात बढ़ाने को लेकर गहलोत सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना की शुरुआत की है। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को सीएमआर में जनाना अस्पताल की दो प्रसूताओं को बेबी किट सौंपकर योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद से जयपुर जिले के राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को पिंक कलर का बेबी किट मिलेगा। साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई 2020 से नीले रंग का किट दिया जाएगा। इस योजना में राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात शिशुओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। इस योजना में प्रतिवर्ष करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए राज्य बजट में सीएम गहलोत ने इस योजना की घोषणा की थी। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, एसीएस रोहित कुमार सिंह, नरेश कुमार ठकराल आदि मौजूद रहे। ये बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नवजात बच्चियों के लिए और नवजात बच्चों के लिए तो करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा इस पे। तो अभी जून 1 से बच्चियों के लिए हम शुरू कर रहे हैं और जुलाई में ये बच्चों के लिए भी बेबी किट शुरू करेंगे। ये पिंक कलर का है बच्चियों के लिए, वो नीला।